वृंदावन में आज ब्रज के संतों महंतों और धर्माचार्यों की महापंचायत होगी। इसमें कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी के बारे में दिए गए विवादित बयान को लेकर चर्चा होगी। थोड़ी ही देर में बरसाना में ये महापंचायत शुरू होगी। संतों महंतों धर्माचार्यों ने एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इससे पहले प्रेमानंद महाराज ने भी कथावाचक प्रदीप मिश्रा को बयानबाजी से बाज आने की नसीहत दी थी। हालांकि बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच में सुलह करा दी थी। प्रेमानंद महाराज को लेकर भी ब्रज के संतों में आक्रोश है। संतों ने चेतावनी दी है कि प्रदीप मिश्रा जब तक बरसाना आकर माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक संतों का विरोध जारी रहेगा। ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी है। माना जा रहा है कि महापंचायत में धर्माचार्य संत महंत महामंडलेश्वर प्रदीप मिश्रा को सजा सुनाएंगे। रास महल में जहाँ पूज्य मिश्रा महाराज रास लीला का आनंद लेते हैं शाम को, वहाँ पर एक महापंचायत होने जा रही है। प्रदीप मिश्रा के द्वारा श्री राधा रानी के बारे में जो अनर्गल वार्तालाप किया गया है, इसी विषय को लेकर के महापंचायत हो रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी विवाद में अब गुरु सांदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की है। कहा कि अगर मिश्रा ने मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगी तो वो अपने विद्वत परिषद से बात कर कोर्ट जाएंगे। रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए। क्षमा मारती और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। तो जहां आज ब्रज में संतों की महापंचायत है तो उज्जैन पे भी प्रदीप मिश्रा को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। तो थम नहीं रहा राधा रानी पर दिया गया ये बयान प्रदीप मिश्रा का, जो विवादों की वजह बना। प्रदीप मिश्रा ने भले ही कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बताया गया, दिखाया गया और प्रेमानंद महाराज से भले ही उनकी सुलह हो गई हो, लेकिन ब्रज के धर्माचार्य हैं वो कह रहे हैं कि जब तक प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर माफी नहीं मांगते हैं तब तक वो माफ नहीं किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, अजय पटवा हैं उज्जैन से, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जो संतों की पंचायत होनी है, जो जहां पर वो फैसला सुनाएंगे प्रदीप मिश्रा को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट पहले ये बताएं। देखिए, आज जो है संतों ने एक महापंचायत का आयोजन किया था जो कि अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें ब्रज के जो 84 कोस के प्रमुख मंदिर है, देवालय हैं, धर्माचार्य हैं, संत हैं, महंत हैं, साथ ही जो बरसाना के आसपास के जो 8 गांव हैं, 8 जो सखियों के गांव हैं, उनके लोग भी महापंचायत में पहुंचेंगे और उसके बाद सभी लोग जो है अपनी अपनी बात रखेंगे इस पंचायत में। और उस पंचायत के बाद जो कि रमेश बाबा के गहरवन जो श्री जी मंदिर है उस बरसाना में ये महापंचायत हो रही है, तो फिर उसके बाद संत जो हैं, जो प्रमुख संत हैं बच के, वो निर्णय लेंगे कि आखिर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, किस तरीके से उनका विरोध जताया जाए, क्योंकि लगातार प्रदीप मिश्रा इस बात को तो कहते आ रहे हैं कि अगर कहीं ब्रजवासियों को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उनको समय लगेगा। तो इसी बात को लेकर संतों में आक्रोश है कि लगातार प्रदीप मिश्रा के द्वारा विवादित बयान दिए जा रहे हैं और उस पर फिर उनकी सफाई दी जाती है। साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो संत हैं उनका कहना है कि ब्रज या तो प्रदीप मिश्रा शास्त्रार्थ कर लें, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया है, जो कथन उन्होंने कहा है उसको लेकर, और नहीं तो फिर वो राधा रानी के श्री चरणों में जल्दी से जल्दी आए और माँ पर माफी मांगे, जिसके बाद ही इस सारे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। जी जी, अब चलते हैं उज्जैन। अजय, आपके पास मैं आऊंगी। अब वहां पर हमने देखा किस तरह से रूपम व्यास की तरफ से भी टिप्पणी आई है इस पूरे मामले को लेकर। जी देखिए, कृष्ण भगवान का उज्जैन से बड़ा ही नाता रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ पढ़ाई की है, लेकिन राधा रानी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया, उनके ससुराल को लेकर, बरसाना को लेकर, और जिस तरीके से फिर उज्जैन के जो गादी पे जो बैठते हैं रूपम व्यास, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा के द्वारा राधा रानी को लेकर जो बयान दिया गया है और उनके ससुराल के बारे में बताया गया है, तो ऐसे में उनको माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने जो उनको सलाह दी है उसको उनको मानना चाहिए और ऐसे में 84 कोस की परिक्रमा करके और वहाँ पे बरसाना जाके माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये होगा कि विद्वत सभा के जो सभी संत हैं उनसे बात करके
कोर्ट जाना पड़ा तो प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये आने वाले समय में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये विवाद बढ़ता जाएगा और ऐसे ही ये लगातार विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से मथुरा वृंदावन सद्दूर जो है प्रदीप मिश्रा के विरोध हुआ और पुतले भी जले हैं, तो मुंबई मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर पुतले जलाए गए थे। तो ऐसे में प्रदीप मिश्रा को अब ये है कि देखना होगा कि क्या वो माफ़ी मांगते हैं या फिर अपनी बात पर अटल रहते हैं। ये आने वाला समय ही देख पाएगा कि जिस तरीके से उज्जैन के जो शांतिपनी आश्रम के जो पुजारी हैं रूपम व्यास, उनकी तरफ से तो कह ही दिया गया है कि यदि वो उज्जैन आते हैं और यदि उज्जैन में कोई होता है तो उनको विद्वत सभा के आदेश के अनुसार ही उनको मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना ये होगा क्या प्रदीप मिश्रा अपनी बात पर माफ़ी मांगेंगे या फिर नहीं मांगेंगे। जी बहुत शुक्रिया अजय, आपका भी नितिन, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। राजस्थान की एक महिला ने दीपेंद्र महाराज पर 55 लाख हड़पने के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि बागेश्वर धाम में जमीन लेने के लिए राशि दी थी लेकिन जमीन नहीं मिली। पीड़ित महिला ने इसे लेकर एसपी से शिकायत भी की है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई हैं जिन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं एक महिला ने। ये महिला राजस्थान की रहने वाली है। महिला ने बकायदा शिकायत दी है और कहा है कि बागेश्वर धाम में जमीन लेने के लिए महिला ने 55 लाख रुपए का भुगतान किया था लेकिन जमीन नहीं मिली। इसमें दे दो, कैसा भी पेमेंट दे दो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या कर रहे हैं वो? वो अब कह रहे हैं कि जो तुमने पैसे दिए वो हमें मालूम नहीं, तुमने हमारे मुनीम को दिए तो तुम जानो और मुनीम जाने। पैसा देने के बाद आपको जमीन मिली कि नहीं मिली? ना तो जमीन दिया है, ना मुझे कब्जा दिया है, ना उसका पक्की रजिस्ट्री दिया। टोटल कितना पैसा जमा हुआ? रजिस्ट्री की है उसकी? रजिस्ट्री दो रजिस्ट्री करके दे दी मेरे को। एक प्लॉट मांगा था और पता नहीं ये कौन से प्लॉट का और रजिस्ट्री दे दिया मुझे। वहीं कोरबा में आज से पंचायत सचिव संघ की हड़ताल, जहां सचिव संघ ने काम बंद हड़ताल शुरू की है, अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की है। अनिश्चितकालीन यह हड़ताल बताई जा रही है। जिले के 412 ग्राम पंचायतों के सचिव इस हड़ताल में शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास के कारण रोके गए वेतन के भुगतान की मांग, सचिवों का एक निश्चित तारीख तक वेतन भुगतान की मांग, लंबित वेतन के भुगतान की मांग है और साथ ही एरियल का भी भुगतान किया जाए। मांगों को लेकर पंचायत सचिव हड़ताल पर चले गए हैं और ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल आप देख सकते हैं कि चार सूत्री इनकी मांगे हैं उसको लेकर ये हड़ताल पर यहाँ तानसेन चौक पर बैठे हुए हैं। हमारे सर प्रमुख रूप से मांगे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में प्रगति कम जिस पंचायत में थी वहाँ के सचिव साथियों का वेतन जो है दो माह से लंबित हो गया है, रोक दिया गया है, तो उनकी अविलंब उनके जो रोके गए वेतन है उसको जारी किया जाए और भविष्य में प्रधानमंत्री आवास के नाम से किसी भी सचिव साथी का वेतन जो है न रोका जाए। आप बताएंगे कितने समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? इससे पहले भी आंदोलन किया था, मांग क्या उस समय पूरी हुई थी और अब जो मांग आप लोग कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम बहुत दिन से आंदोलन नहीं किए थे, ये आंदोलन हमको मजबूरन करना पड़ रहा है। हम अगर हमारा मांग को 7 दिन पहले 10 दिन पहले जो पत्र दिया गया जिला पंचायत में उस मांग पर अगर निराकरण कर दिया गया रहता तो आज हमको ये हड़ताल करने की नौबत ही नहीं आता। हमारा मांग ये है कि प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा है वो हितग्राही खाता में जाता है, उसके बाद भी प्रत्येक सचिव उसके घर में डोर टू डोर जाकर उसको कम से कम 10 बार महीने में जाते हैं कि भैया बनवा ले, मकान बनवा ले, लेकिन उसका पैसा उसके खाता में जाता है, इसलिए दबाव नहीं रहता है। दूसरी बात ये है कि हम बार बार जाते हैं, उससे लड़ाई भी हो जाता है, कई लोग शराब भी पिए रहते हैं, कितने लोग को समझाएंगे हम? इस बात को हम अधिकारी को भी बता चुके हैं कि भाई जो नहीं बना पा रहा है तो वही व्यक्ति नहीं बना रहा है जो या तो पैसा को निकाल कर गबन कर चुका है या कोई रुचि नहीं ले रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए उनको प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, तो सचिव के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्राम सभा का भी आज से आयोजन करने का आदेश दिया है, कितना प्रभावित होगा काम ये हड़ताल से आप लोग? 100% होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि बिना सचिव का ग्राम पंचायत अधूरा है और जो भी मांग है जायज़ मांग है हमारी पूरी हो जाती है, हम अपने पंचायतों में वापस जाएंगे काम में। आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं और मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ कोरबा।
अब्दुल असलम हमारे सहयोगी कोरबा से फोन लाइन पर जुड़ गए। अब्दुल, हमने जो आपने बातचीत की थी तमाम हड़ताल पर बैठे लोगों से, वो बातचीत दर्शकों को सुनाई है, तो वो तो साफ नजर आ रहा है कि अपनी मांगों को लेकर वो कितना गंभीर है। क्या प्रशासन की ओर से अब तक इनसे बातचीत करने की कोई कोशिश की गई? आपको बता दूं कि इससे पहले भी इन लोगों ने हड़ताल में जाने से पहले प्रशासन को, जिला पंचायत सीईओ को अल्टीमेटम दिया था और अपनी मांगों को लेकर, इनकी मांगों को जल्द से पूरा करने की मांग की थी, लेकिन जिला पंचायत द्वारा कोई भी पहल अब तक नहीं की गई। यही कारण है कि ये हड़ताल पे जाने पे मजबूर हुए हैं और ये चार सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दो वेट लिफ्टर्स पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का इन्हें दोषी पाया गया था। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नेशनल डोपिंग एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में इन्हें दोषी बताया गया है। वेट लिफ्टर एकता बंजारे और मिथिलेश सोनकर पर यह प्रतिबंध लगा है। प्रशिक्षक अजय लोहार पर भी वेट लिफ्टिंग संघ ने प्रतिबंध लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के ये दो वेट लिफ्टर जिन पर 4 साल का बैन लगाया गया है। नेशनल डोपिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इन्हें प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया है। सिर्फ वेट लिफ्टर्स ही नहीं बल्कि वेट लिफ्टर्स के ट्रेनर को भी बैन लगाया गया है। प्रशिक्षक अजय लोहार पर भी वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन ने प्रतिबंध लगाया है। एकता बंजारे, मिथिलेश सोनकर पर यह प्रतिबंध और साथ ही प्रशिक्षक अजय लोहार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों को ही जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं उनका दोषी, उनके सेवन का दोषी पाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दो वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी इन्हें पाया गया। वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नेशनल डोपिंग एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी।